सो ही गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग वीडियोस गाइस। तो कैसे हो, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने जिंदगी में व्यस्त होंगे अपने अपने साथियों के साथ गाइस। सो आई सर, तीन चार दिन बाद मौसम खुला है और आज मौसम बढ़िया है, तो चलो आज ब्लॉग बनाते हैं गाइस और थोड़ा अच्छा ब्लॉग बनाएंगे। तो चलो वीडियो में बने रहना, बहुत ही फनी और बहुत ही मज़ेदार होगा। फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी जाएंगे जगदलपुर में। तो बाल नहीं आया, कब आएगा पता नहीं, बाकी गंजा सा हो गया हूँ। चलो गाइस अब चलते हैं सीधा जगदलपुर में और आप सभी का एंटरटेनमेंट करते हैं और आप सभी प्यार गीतांजलि से मिलते हैं और उनको थोड़ा आज अलग वाला प्रैंक करूंगा। देखता हूं, मैं सोचता हूं रोज प्रैंक करूंगा करके, लेकिन ना रिस्पॉन्स ही नहीं देती प्रैंक का, समझ रहे हो। कुछ भी उसको बोलो, इंसल्ट करो, कुछ भी करो ना, उन्हें एक्सेप्ट कर लेती है भाई, कैसी लड़की है यार। तो चलो देखते हैं क्या सीन रहता है। सो गाइस फाइनली हम लोग जगदलपुर पहुंच चुके हैं, दर्शन वगैरह सब कुछ कर लिए, अब घूमते हैं गाइस, कहीं घूमने जाएंगे। अंदर बना नहीं सका क्योंकि यार थोड़ा भीड़ भड़ा का बहुत ज़्यादा था। तो चलो फाइनली कहीं जाते हैं घूमने वगैरह। हम लोगों ने बढ़िया सा दर्शन कर लिया है भगवान जगन्नाथ का और हम लोग को आशीर्वाद मिला, अच्छा वाला मिला ना, और ब्लेसिंग्स मिले बहुत सारा। वो तो सबको देते हैं भगवान, क्या बोलते हैं, भगवान दयालु है। तो चलो जितना भी आशीर्वाद मांग लिया हमने कि हमारा करियर सेटल हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। और आज कुछ मैं सेट और करने वाला हूँ गीतू के साथ, एक बात सेट करना है, बहुत बड़ा बात सेट करना है, बताया नहीं हूँ लेकिन बताऊँगा अभी। क्या सेट करना है? एक बात सेट करना है ना, एक बात बोलना है तेरे को, इस टकले की कसम तुझको एक बात बोलना है और वो आज मैं बोल के रहूँगा। हाँ, टकले की कसम बोलिए जल्दी। हाँ, टकले की कसम बोलिए जल्दी। नहीं है, बाल आ गया है भाई, हमेशा इंसल्ट क्यों करते रहते टकला टकला बोल के। टकले ही हो, देखो तो टकला हूँ तो तेरा ही तो हूँ। नहीं तो हाँ देखो गाइस, वही बात मेरे को सेटल करना है आज। तो चलो अब गीतू जी से कुछ कहा जाए। वैसे ये लड़की क्यूट तो है, मानना पड़ेगा। सर लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। यार इतना क्यूट कोई कैसे हो सकता है, ऐसा आप सभी को लग रहा होगा। नहीं है, ज्यादा तारीफ नहीं करना चाहिए, चने के जाड़ में चढ़ जाते हैं फिर इन लोग का एटीट्यूड इतना बढ़ जाता है। सुनो मत पूछो, सुनो इधर सुनाइए। चना का जाड़ रहता है कि पौधा रहता है? सॉरी यार, कोई तो बोला है, कहावत है यार, ऐसा कहावत बोलो कि सुनने लायक भी हो। वो खुदा तू ही सुकून के नाम से। वैसे भी आप भी अच्छे से बात कीजिए, आपका थूक निकल के बात कर रहे हो। इससे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है, तो हमको नीतू जी बोल रही है। अच्छे से बोलिए ना, आप हंसते हुए बोलते रहते हो हमेशा यार, हंसना ही चाहिए जिंदगी। तो हंस ही तो रहे हैं, बस क्या करे जिंदगी रुला देती है। चलो हम मुंह भी बंद कर लेते हैं, आप तो कभी मुंह भी बंद नहीं करते हमेशा फोटो में। इसीलिए तो हंसते रहना है हमेशा। किधर जा रहे हो जी? ओ भाई साहब, जी बोल के बुलाने से पति वाली फीलिंग आती है, एक नंबर मजा आ जाता है यार सच्ची में। आज इतना रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं मेरे को? मंदिर जाके आए हैं ना, तो कुछ बुरा नहीं बोल सकते। अच्छा एक बात बोलने वाला हूँ, सीरियस वाला, ठीक है? नहीं मतलब पहले वो मत करना ना, फिर पता चल रहा है कि क्या सुना दे रहे हो, दो चार शब्द हो गया है फिर इसलिए। तो सुनने वाला काम मत कीजिए। नहीं यार, अच्छा काम करूंगा मैं, आज मैं नहीं सुना सकती ना किसी के लिए बोल रहे। ऐसा क्या? नहीं यार, सुनाएगी तो नहीं, अच्छा ही काम है भाई, बहुत हो गया यार, एक सीरियस वाली बात बोलना है तेरे को। तो गाइस सर फाइनली हम लोग पार्क में तो पहुंच चुके हैं जैसा कि आप सभी जानते हो। तो गाइस सर आज मैं ना बहुत ज़्यादा सीरियस हूं और आप सभी बोल रहे थे कि गीतू को प्रपोज करो, तो उस बार लड़ाई हो गया था, तो आज सीरियसली प्रपोज करूंगा, देखता हूं क्या बोलती है। तो और मेरे पास आज गुलाब नहीं है, मेरे पास एक सस्ता सा फूल है जो इसी पार्क से मैंने तोड़ा। अभी आप सभी ना कमेंट करना, मैं क्यों एन ए वीडियो करूँगा, मतलब ना आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हो जो कुछ भी आप सभी पूछ सकते हो, क्योंकि मेरा ना 15,000 सब्सक्राइब कब से हो चुका है और मैं बोला था कि 15,000 सब्सक्राइबर में क्यों ए वीडियो निकालूंगा करके, क्यों एन ए वीडियो। तो आप सभी ना कमेंट करना, अच्छा अच्छा तगड़े तगड़े कमेंट करना इस वाले ब्लॉग में, तो मैं ना आप सभी का कमेंट पिक करूँगा और उससे क्यों एन ए वीडियो बनाऊँगा और आप सभी का जवाब दूंगा गीतू के साथ। तो जो कुछ भी कमेंट करना आपके दिल में है, पूछना चाहते हो जो कुछ भी एडिटिंग के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में, किसी भी चीज़ के लिए पूछना चाहते हो तो आप सभी पूछ सकते हो। तो धड़ाधड़ कमेंट करिए और चलिए प्रपोज करते हैं महारानी को, क्या बोलती है। तो बस मैं तो मजाक में करता हूँ हमेशा, लेकिन वो ना सीरियस ले जाती है।
तो चलो आप सभी का ख्वाहिश पूरा करते हैं, उसका रिएक्शन देखना चाहते हो ना, तो चलो उसका रिएक्शन आप सभी को दिखाते हैं। आज नर्वस सा फील कर रहा हूँ यार, कुछ तेरे से कहना है पता है, डर डर सा लग रहा है। हाँ आज पहली बार तेरे को देख के डर रहा हूँ मैं। लड़की लोग है ना मेरे पीछे, तो फिर उन्हीं लोग को देख रहा है। और एक तो आज ना तू बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही, इसलिए नर्वस सा फील लग रहा है, मतलब नर्वस हो रहा है। जो चीज बोलना चाहता हूँ ना वो खुल के बोल नहीं पा रहा हूँ, मतलब अच्छे दिखते रहने से नर्वस होने होता है। हाँ ना तेरा मतलब तेरे चेहरे पे फोकस, तेरे सुंदरता पे फोकस कर रहा हूँ, मतलब कुछ जो बोलना चाहता हूँ बोल नहीं पा रहा हूँ। इतना घटिया मजा, इतना घटिया मजा, सहन नहीं होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाऊंगी। क्या हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगी। फूल तोड़ रही है, मैं तेरे लिए फूल लाया हूँ, ले तेरे से कुछ कहना है। आज सीरियसली बोल रहा हूँ, आई लव यू। हाँ ससुर जी, यहाँ से बारात लेके निकलूं क्या फटाफट से? ऑडियंस का डिमांड है, गीतू भाभी को प्रपोज करो बोल रहे थे, तो आज प्रपोज कर रहा हूँ। उल्टा सीधा नहीं बोलना, ले तेरे लिए लाया था, गुलाब नहीं मिला, गुलाब खरीदने का टाइम नहीं है, इसलिए ये वाला फूल से प्रपोज कर रहा हूँ। दिस इज़ फॉर यू, आई लव यू, दिस इज़ फॉर यू, आई लव यू। मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ मैं नहीं चल रहा। पहले भी बोल चुकी हूँ। क्या बोल चुकी है? जस्ट फ्रेंड। बाबू मान जाओ ना प्लीज यार। जस्ट फ्रेंड ये क्या होता है? मतलब मैं आपको बस फ्रेंड हूँ और कुछ नहीं। नहीं नहीं, हम फ्रेंड नहीं मानते, हम गर्लफ्रेंड मानते हैं। हम किसको? आपको। बोलिए ना, तो शांत क्यों हो गया यार, सदमा लग गया क्या? एक तो इतना खूबसूरत लग रहे हो, तो सामने वाला बंदा प्रपोज करेगा ना भाई, मैं भी प्रपोज किया यार। हंस दो ना थोड़ा सा, हंस दो ना। अरे यार जब मैं मानती ही नहीं हूँ कुछ, तो मैं क्या हंसू, क्या एक्सेप्ट करूँ? कुछ नहीं मानती मेरे को, अब तेरे पे ट्राई नहीं करूंगा फिर। यार मजाक छोड़ो यार, सीरियसली एक्सेप्ट करो। आप मजाक कर रहे हो? नहीं यार, नहीं मजाक मैं नहीं करता, मैं हमेशा सीरियस रहता हूँ, इसलिए तेरे को बार बार बोल रहा हूँ। तो मैं भी, I love you। मैं हमेशा मजाक के मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती। बाबू मान जाओ ना प्लीज यार। क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो? मैं अच्छा नहीं दिखता इसलिए ना, मैं अच्छा नहीं दिखता इसलिए ना। मैं हमेशा मजाक के मूड में रहती हूँ, इसलिए हंस हंस के बोल रहा हूँ, लेकिन आप सीरियसली सब मान लेना की मैं आपको। दिमाग खराब मत कर करे, फिर लड़ाई हो जाता है। क्या का लड़ाई? कुछ का लड़ाई नहीं, मेरे को लड़ाई करना अच्छा नहीं लगता ना। तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैं शांत से हंस हंस के बोल रही हूँ, मैं आपकी फ्रेंड हूँ तो फ्रेंड हूँ। काय का फ्रेंड? फ्रेंड का लड़की भी जुड़ता है तो गर्लफ्रेंड, खत्म, गर्लफ्रेंड, इसलिए आई लव यू। मान जाओ रानी, बोलते ना इसी जी सॉन्ग। आप क्यों इतना घटिया प्रैंक कर रहे हो? नहीं यार मैं प्रैंक नहीं कर रहा, सीरियसली दिमाग खराब मत कर, तो मैं सीरियसली बोलना चाहता हूँ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ गाइस, मैं पता चल रहा है मैं टकला हूँ, इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मेरे लिए सजीती पूछ भी रही थी कैसी लग रही हूँ करके, पूछी कि नहीं? मैं अपनी मम्मी से भी पूछी। मम्मी से पूछी तो मेरे से भी तो पूछी ना। हाँ तो उसमें क्या होगा? तो मैं तेरा क्या मम्मी हूँ? हाँ सुनिए, तो आप उपास थे, आप मेरे फ्रेंड हो ना, तो आप पता है मैं फ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड, सॉरी गर्लफ्रेंड नहीं, सॉरी बॉयफ्रेंड, हाँ सही बोल रहा था मैं। दिमाग खराब मत करो, देखो है यहाँ मुँह धो तो, मेकअप कितना लगाया तो देखता हूँ, मुँह धो के देखो, अगर हिम्मत है तो, हिम्मत है तो मुँह धो के देखो। हाँ गाइस, एक्सेप्ट कर रही हूँ ना मैं, मेकअप की हूँ तो फिर सुंदर, तो गाइस सुंदर तो गाय भी होती है। ओ हमको भी पता है तू गाय है। अब बैल हो? मैं बैल नहीं, इंसान हूँ। भैंसा हो? भैंसा। ये सब बात छोड़, सीधा सीधा पूछ रहा हूँ मैं, आखिरी बात सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, तुम उसे प्यार करती या नहीं करती बता। अरे यार ये क्या प्रैंक करना बंद कर। प्रैंक नहीं है यार, प्रैंक नहीं है, प्रैंक नहीं है, बोलो फेंक दूंगा देख नाली में। दिमाग खराब मत कर तेरे को, किचर किचर मत कर कर रहेगी तू। ऐसा पंच मारूंगी सीधा, आप आपको बिजली पदर जाके गिरोगे। पंच पंच मत बोल, इधर मंच बना दूंगा चॉकलेट। दिमाग खराब मत कर यार, सीरियसली दिमाग खराब मत कर, जवाब दे। कब से बोल रहा हूँ आई लव यू, आई लव यू, दिमाग खराब करके रखी है। घटिया घटिया प्रैंक करता है। क्या घटिया घटिया प्रैंक, सीरियसली रे पागल, मजाक नहीं है, सुअर जैसा मुंह मत बना क्या। और उसके बिन कहीं दिल मैं लगा लूं। दिखती भी सुअर जैसा ही तो है। दिमाग खराब मत कर, डरा डरा के मत रह, बता रहा हूँ जब मैं आपसे मजाक मत कर, सीरियस हो जा। मैं आपसे प्यार ही नहीं करती तो मैं क्यों
तो करने में क्या दिक्कत है फिर? क्यों करो भाई? क्यों नहीं करना? क्यों करूँ? क्यों नहीं करना? लास्ट बार बोल रहा हूँ, कब से लास्ट बार बोल रही हूँ, हम लोग सिर्फ फ्रेंड है, फ्रेंड में ही रहेंगे, खत्म बात। नहीं गीतांजलि, तू समझ नहीं रही है, पता है क्या समझ नहीं? तो समझ नहीं रही, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ तेरे को यार। देख तो समझाइए, तो दिखने में ठीक ठाक दिखती है, अच्छी लड़की है, संस्कारी है, मस्त कुर्ता वगैरह पहनती है, एक नंबर सुंदर दिखती है, तो मेरे से प्यार करने में क्या दिक्कत है? तो सब कुछ मेरे में है ना, थोड़ी ना आपके में है पागल। तो तेरे में इसलिए तो मैं प्यार कर रहा हूँ तेरे साथ। आपको क्या देख के प्यार करूँ, एक भी रीजन बता। मेरा टकलापन, इतना स्मार्ट दिखता हूँ भाई। आ जा भी यार, फिर से वही ना। देखो देखो वही ज्यादा में तो फिदा है हम, ऐसे करते हुए इसलिए तो बहुत ज्यादा फिदा है हम। तो बोलिए ना, कुछ बोलना चाहोगे? फिर से वही नाटक करना। तो एक्सेप्ट क्यों नहीं करी बता, दिमाग खराब मत कर। तू मेरे प्यार करते, मैं जानता हूँ। मैं बोल रही हूँ ना, काय से बोले, बोले। जा रहे हो लड़की, मानो कि एक तब पर्दे तुम फिर से तो अपने गांव जाके गिरोगे। लड़की हंस रही है, मतलब कुछ तो बात है दया। बोलिए, मेरे को एक भी रीजन बता दो कि आप मेरे को सीरियसली प्यार करते हो। अरे कहना क्या चाहते हो? और सीरियसली प्रपोज कर रहे हो, ए फ्रैंक फ्रैंक कुछ नहीं है, तब मैं आपको एक्सेप्ट। हाँ कसम से सीरियसली प्रपोज कर रहा हूँ, खत्म। क्या बात है सर, क्या बात है सर, कर लेते हैं। कौन नाटक कर रहा है? ऑडियंस के सामने बोला, ऑडियंस है सबूत, प्रपोज कर रहा हूँ तो हाँ हो गया, खत्म। प्रैंक तोड़ना करो, मैं ऑडियंस को बता चुका हूँ आज गीतांजलि को प्रपोज करूंगा करके। तो उस बार भी यही बोले थे ना, उस बार मैं प्रैंक कर रहा था ना, इस बार तो सीरियस कर रहा हूँ ना। आप अच्छे से, ये क्या है, इसी के साथ प्रपोज करते हैं, बाद में अच्छे से करूंगा, अभी के लिए काम चलाओ। सेकंड हैंड फूल बोलते हैं इसको, सेकंड हैंड फूल। ऐसा डिमांडेबल लड़की मेरे को भी नहीं चाहिए। देख तो दिमाग खराब मत कर, मैं बाद में लाऊंगा ना गुलाब का फूल। आप हमेशा मजाक कर दे रहे हो, मतलब शांत शांत है, कुछ कुछ होता है। सो गाइस, फाइनली लड़की एक्सेप्ट करने वाली है अभी। बोल ऐसा आपको लग रहा है यार, कितना रुलत है और बार बार नहीं मोड़ते रहना यार, करोगे करो नहीं तो। अब लाइन पे आई ना, अब लाइन पे आई, समझ रहे हो? किसी के पास भी जाओ, तू बोली ना कि लड़कियों हम पार्क में इतने सारे लड़के, किसी को प्रपोज करो करके। मैं नहीं कर रहा, दिमाग खराब मत कर, एक्सेप्ट कर रही कि नहीं, सीरियसली यार। अब तो पकड़ ले फूल। सो गाइस, मैं ऐसे पकड़ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यार ये कभी नहीं सुधरेगी यार, चीटिंग चीटिंग मत करते रहे। अब क्या, क्यों एक्सेप्ट नहीं करिए बता जल्दी। आप अच्छे से प्रपोज किए तो कहाँ, कैसे सुअर की तरह प्रपोज करूंगा आज कीचड़ में, गोंडर गोंडर के गोंडरो। अभी मैं नहीं, बाद में कब? बाद में एक्सेप्ट कर रही कि नहीं? चल आई लव यू बोला, आई लव यू टू बोल। नहीं नहीं, आप जब अच्छे से प्रपोज करोगे तब एक्सेप्ट कर। अच्छे से क्या होता है, मैं हमेशा वैसे ही रहता हूँ बंदर जैसा, बाद में अच्छे से करूंगा ना, तो अभी तो एक्सेप्ट करो ना। जब आपका बाल आएगा प्रपोज करोगे तब। मेरा फूल रिटर्न देना का गिलास दे रही है, तो मान लूंगा मैं कि एक्सेप्ट कर ली करके। समझ रहे हो गाइस, फाइनली एक्सेप्ट कर लिया आप सबकी भाभी ने, बात खत्म। देख कुछ नहीं बोली मतलब हो गया, कुछ नहीं बोली मतलब हो गया, एक्सेप्ट हो गया, नहीं हुआ हो गया, हो गया, मैं मान लिया। मैं तो मान लिया, क्यों नहीं? किचिर किचिर मत कर, तेरे बहुत टाइम हो गया, अब बोल दे आई लव यू। मैं जा रहा हूँ, मैं थक गया गाइस। गाइस ये प्यार करते लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इसको अच्छे से प्रपोज करूँ, कैसे प्रपोज करूँ? ऐसे तो प्रपोज करते हैं यार, आप सभी बताओ, बताइए ऐसे कोई प्रपोज करते हैं? इतनी सुंदर लड़की है आपके पास, तो बोल दी ना कि अच्छे से प्रपोज करो। चलो एक्सेप्ट हो गया ना, कि अच्छे से करना, एक्सेप्ट हो गया ना, मैं नहीं हुआ है, अच्छे से जब करोगे ना तब होगा। हाँ मान लो एक्सेप्ट हो गया, खत्म, हो गया फूल भी पकड़ ली, हो गया खत्म।